हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग रहेगा हमारा घर। तो हमारे घर के यहाँ पर जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा वहाँ घर का काम चल रहा है तो देखने जा रहे हैं। अभी कल से शुरुआत हुई वहाँ की, तो कैसा क्या चल रहा है जा रहे हैं तो आपको भी बता देते हम कहाँ पर लिए हैं घर और कितने फ्लोर पर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यूसुफ आ रहा है और आयू और मेरे हस्बैंड वहाँ पर बैठे, तो हम जा रहे हैं चार लोग। देखते हैं, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा धूप है, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से पास ही में है, तो अच्छी ही चलते हैं। पर लिए हम घर, जहाँ पर सुकून मिलता है वहाँ पर। ज़्यादा शोर शराबा यहाँ पर कुछ नहीं, काफ़ी साइलेंट है, जैसा कि मुझे चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पर है। वहाँ पर है, वहाँ पर ऊपर 12th फ्लोर पे। तो यहाँ पर पार्किंग भी अपने नाम की है, अपने जगह पे कोई खड़ा नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी मच होते रहता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अपने नाम का नंबर है तो लाओ गाड़ी खड़ा करो, बिल्कुल टेंशन नहीं है पार्किंग की, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अपने घर पे। अभी तो अपना घर का काम चालू होगा, घर का काम चालू होएगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे अपना आना जाना सब। शांति रहे, बहुत शांत, सुकून सुकून की जगह, जैसा अभी इस एज पे हमें चाहिए है ना। पूरा इसके नीचे व्हील्स नहीं है, बोल रहे पहले पटरा में चावल होता है ये ऊपर। तो वहाँ पर गार्डन है, गार्डन और स्विमिंग पूल है, और वहाँ पर सनसेट होता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों के बीच में वहाँ पर सूरज डूबता हुआ सनसेट पॉइंट, वहाँ पर बिल्कुल ठीक शाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत यहाँ से दिखता है, सीधा वहाँ पर सूरज डूबता है। तो बारिश के मौसम में काफ़ी मज़ा आएगा हमें यहाँ पर, अच्छा लगेगा। पानी यहाँ पर ज़्यादा भरता नहीं, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर तो थोड़ा भी बारिश आ जाए तो एकदम पानी पूरा भर जाता है, बाहर गाड़ियाँ नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। जैसे कि आप वीडियो में डाली हूँ आकर बना कर वहाँ पर का पानी किस तरीके से वहाँ पर भरता है, तो देखते हैं इस साल बारिश में हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर पानी यहाँ भरता नहीं पड़ता, देखेंगे अच्छा लग रहा है। तो अभी काम चल रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीने तक ये काम जाएगा। तो 2 महीने के बाद में अभी आई की शादी भी है, तो शादी ख़त्म होने तक ये घर कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा, फिर वहाँ से आएंगे, फिर कुरान खानी करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। इतना ज़्यादा ऊपर ऊंचाई से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी यहाँ पर ग्रिल भी बैठेगी, ग्रिल नहीं है तो बिना ग्रिल के देखते तो नीचे डर लगता है, काफ़ी नीचे एक ऊपर है। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इतना ऊपर घर हो हमारा, नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अभी
बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी यहाँ पर आपको खाली खाली नजर आ रहा है, तो पूरा कंप्लीट काम होने के बाद में आप देखिए काफ़ी खूबसूरत हमारा घर लगेगा। तो थोड़ा नीचे आ गए यहाँ पर गार्डन में, शाम के टाइम अच्छा रहेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो अभी वहाँ पर ऊपर काम करें तो उनको ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं किया। आ गए आइए, वो है खड़े अभी, चलते हैं घर पर, खाना खाने के लिए भूख लगी। अच्छा काफ़ी खूबसूरत है गार्डन यहाँ पर, गार्डन तीन चार गार्डन है इतने ग्राउंड में, तो कहीं पर भी जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए तो काफ़ी जगह यहाँ पर है। सुबह के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है वॉकिंग करने के लिए, मस्त से वॉकिंग करूँगी यहाँ पर, किस सुबह के टाइम अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा रहता है ना, 6:30 बजे वॉकिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह आती है। सामने एस्प्रिया मॉल है आगे, तो जब भी जा सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेलने के, जैसे कि आपको पहले बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ मॉल के अंदर क्या क्या है। तो इंतज़ार करते हैं बनने तक, वहाँ पर ऊपर ऊपर है ऊपर। तो अभी हमारे घर वहाँ पर रेंट पे नहीं देंगे, वो ऊपर वहाँ पर भी आते जाते रहेंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर दोनों जगह रहेंगे, क्योंकि रेंट देने का भी आइडिया कुछ अच्छा नहीं है इसके लिए, वहाँ पर रहेंगे। मुंबई में 20 साल तक हम भट गए किराए के मकान में, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बहुत टाइम मैं रोते रोते घूमी हूँ। इतना सारा सामान बच्चों के साथ में, मुंबई में घर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, घर होना बहुत ज़रूरी है मुंबई के अंदर, छोटा हो या बड़ा हो लेकिन घर होना ज़रूरी है। भाड़े के घर में ना हम भाड़े के घर पे रह के आ चुके हैं, ये खाली दो ही आदमी रह सकता था उतने घर में, हम लोग रह के ज़िंदगी निकाला है। लेकिन अभी बच्चों लोग के वजह से हम लोग को घर देखना पड़ा, क्योंकि हम भी लिया है, हम लोग भी लिया है फ्लैट उधर है, दूसरा फ्लैट भी है और ये भी फ्लैट भी है, दोनों है, दोनों पे ऐसा घर था कि पैर रखने के लिए जगह नहीं था, मम्मी पापा बोलते थे जब मैं छोटा था, मतलब उनको पैर लंबा करने के लिए नहीं होता था, मतलब इतना छोटा घर था, मैं सीधा सोई तो ये लेट के सोती थी, अगर ये सीधा सोए तो मैं ऐसा ढल के सोती थी, इतना छोटा है घर में हम रह के आ चुके हैं, सब अल्लाह की दुआ है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, बच्चों के ज़रिए, हस्बैंड के ज़रिए। सब फैमिली एक साथ रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फैमिली एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा बिखर जाता है कुछ नहीं। अब क्या बोलूँ मैं आपको, खुद देख रहे हैं आप, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही साथ रहे, अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं। अभी 2 महीने के बाद मेरी भी शादी होने लगी, काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड और टेंशन भी है कि सारे काम एक साथ में आ गए हैं, अभी घर भी बन रहा है यहाँ पर और शादी भी पास आ गई है, तो इंशाल्लाह सब अच्छे से होएगा, और आप भी दुआ कीजिए सब अच्छे से परफेक्ट हो जाए। हर एक वीडियो में आपको बनाकर डालूँगी, देखिए शादी का, शादी हम कैसे करते हैं पूरा A to Z बताऊँगी आपको, हल्दी सारे, एक रस्म नहीं छोड़ूंगी, सारे रस्म मैं आपको बताऊँगी शादी की, ये सब का तो शादी का नहीं हुआ है, आई पर शादी का जरूर मैं आपको बताऊंगा। अपने आने वाले ब्लॉग काफी मजेदार रहेंगे, आप देखते रहिए सब। अभी काफी टाइम बाहर भी नहीं गई मैं, इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करूँगी क्योंकि यहीं पर भागम थोड़ी ज्यादा हो रही है मेरी, इसके लिए मैं व्लॉग करने कहीं पर बाहर नहीं जा रही हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे। तो गाइस ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और देखते आगे ये व्लॉग क्या बनाऊंगी वो मैं आप जरूर मैं आपको बताऊंगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय। अपना और अपने फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें।